नमस्कार, जय श्री राम। अनुरागी जीवन में आपका फिर से स्वागत है। आज रविवार का दिन है। बहुत दिनों से जो है कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। वैसे भी ये जो समय है ये घूमने का तो है नहीं। मन में विचार आया कि कहीं तो चलते हैं, थोड़ा सा नज़दीक में ही जावे, कहीं तो थोड़ा सा कुछ देव दर्शन करके आएँ या अपने आप को थोड़ा बाहर ले जाएँ, मन थोड़ा सा जो है प्रफुल्लित हो, मन की भावनाएँ अलग हो जाएँ। क्योंकि 8 महीने से हो गया लगभग जो है यात्राएँ तो चालू हैं परंतु उन्मुक्त नहीं उड़ पा रहा है मन। तो मन में विचार आया कि चलो कुछ घूम लेते हैं, कहीं घूम लेते हैं। तो यहाँ से नज़दीक, बेंगलोर से नज़दीक ही एक कोटिलिंगेश्वरा नामक स्थान है। हम पहली बार जा रहे हैं वहाँ, तो नज़दीक है, लगभग कुछ 70 से 80 किलोमीटर दूर है। तो हम अपने मित्र की गाड़ी में, केशव जी की गाड़ी में जा रहे हैं। एक्टिवा ही है। केशव जी को कुछ लोग पहचानते होंगे, तो उनके साथ ही हम जो है जा रहे हैं। अपनी यात्रा का हमने जो सामान है वो रख लिया है, जैसे सैनिटाइज़र है, मास्क है, हेलमेट है, और भी जो मूलभूत आवश्यकताएं वाली सामग्री है उनको हमने सब रख लिया है। और अब हम जो है घर का दरवाज़ा जो है गणेश जी के हवाले करते हैं कि गणेश जी आप इसको संभालिएगा। वैसे आज का मौसम जो है वो ठीक है नहीं, जाने का विचार बनाना नहीं चाहिए था। कारण ये क्योंकि यहाँ जो है मौसम बहुत रेनी हो गया है, बारिश वाला हो गया है। न्यूज़ में ऐसा आया है कि बे ऑफ बंगाल में कुछ हलचल है जिसके कारण से बेंगलोर में ये सीज़न रेनी सीज़न हो गया है। पर मौसम भले ही रेनी है, बड़ा ही सुखदाई है। इसी सुखदाई मौसम के कारण ही आज ये विचार आया है। बारिश होगी, हमें लग रहा है बीच में बारिश होगी, पर उसके लिए हमने रेनकोट भी रख लिया है। किसी भी शहर को बीच में से पार करके शहर के उस पार जाना बहुत ही कठिनाई से भरा होता है, क्योंकि रास्तों में ट्रैफिक अधिक मिल जाता है। हमें भी ट्रैफिक मिला, परंतु बीच में ही हमें यह पता चला कि हमारी ये जो गाड़ी है इसको भूख लगी है। तो हमने अपनी गाड़ी को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद हमने पुनः अपने रास्ते को पकड़ लिया। हम लोग रास्ते में हैं और जोरदार बारिश हो रही है। केशव जी और हम रेनकोट पहनकर थोड़ा यात्रा कर रहे हैं, पर बारिश बहुत होने के कारण जो है हम यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। रास्ते में ही जो है हम अपनी यात्रा को स्थगित कर रहे हैं। थोड़ा देर यहाँ रुकेंगे, इसके बाद देखेंगे 10-15 मिनट थोड़ा बारिश रुक जाए, थम जाए, इसके बाद जो है हम आगे की यात्रा करेंगे। कोटिलिंगेश्वरा पहुंचने के पश्चात मंदिर से पूर्व प्रवेश द्वार पर ही भगवान शिव की भव्य प्रतिमा है, जो अपनी प्रभुता का परिचायक है। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही आपको दो रास्ते मिलेंगे, जिसमें बाईं तरफ वाले रास्ते में पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था की गई है। दाईं तरफ वाला जो यह रास्ता आपको दिख रहा है, इससे आप मंदिर की ओर जा सकते हैं। वहां जाने के पश्चात जो है आपको सबसे पहले ये अपने जूता चप्पल रखने की व्यवस्था दी गई है, जो एक तरह से बहुत ही उत्तम कार्य है। आस पास ही बहुत सारी पुष्पमालाओं की दुकान है, दीपक इत्यादि वहां मिलते हैं, ताकि आप अंदर जाकर दीपदान कर सकें। और ये तुलसी और बेल पत्र की माला मिलती है।
हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यह माला बनाई जाती है। ये देखिए, एकदम पत्ते को जोड़ जोड़ करके ये लोग बिल्व पत्र की माला बनाते हैं। सुंदर पुष्पों की भी माला व्यवस्था रहती है। और यह जो आप देख रहे हैं मंदिर का प्रथम प्रवेश द्वार है, पीछे से भी एक और प्रवेश द्वार है, यह हमें बाद में जाकर पता चला। अंदर प्रवेश करते ही आपको वहाँ का इस तरह से नज़ारा प्राप्त हो जाएगा। हर शिवलिंग पर हमको फूल रखे हुए दिखे, जो बड़ा ही मन को प्रसन्न करने वाला था। और इसके आगे जो है, हम जब से ही देखने लगे तो एकदम चारों तरफ हमको केवल और केवल शिवलिंग ही दिखाई दे रहे थे। आइए आप भी यहाँ का दर्शन कीजिए। मुख्य मंदिर के बाहर ही इस तरह से भगवान गणपति के निमित्त एक स्तंभ जो है वह समर्पित किया गया है। इसको कहीं कहीं विजय स्तंभ भी कहा जाता है। दीप स्तंभ भी दक्षिण भारत में दिए जाते हैं बहुत से स्थानों पर। तो यहाँ गणपति भगवान के लिए यह स्तंभ दिया गया है। अंदर आप जब देखेंगे तो वहाँ भगवान शिव का बढ़िया सुंदर मंदिर है, जहाँ भगवान की पूजा होती है। यहाँ जो है नाग नागिन की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। हमारे बस चारों तरफ यहाँ शिवलिंग ही शिवलिंग दिख रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं, एकदम चाहे वह मंदिर का शिखर हो, मंदिर की सीढ़ी हो, एकदम चाहे बाउंड्री लाइन हो, हर जगह देखिए, हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा पीछे भी देख लीजिए, केवल शिवलिंग दिख रहे हैं। अंदर जाते जाते आपको एक ऐसा स्थान प्राप्त होगा जो मंदिर के मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए, ये मुख्य स्थान है जहां कई शिवलिंगों के बीच में भगवान शिव जी की एक विशाल प्रतिमा है। ये देखिए, विशाल शिवलिंग यहाँ बना हुआ है। हमने यहाँ एक विशेष बात नोटिस की कि कोई भी मनुष्य, वह जो है किसी स्तुति का पाठ करता हुआ या कुछ जाप करता हुआ, भगवान को प्रणाम करता हुआ हमें नहीं दिखा। हमें यहाँ जितने भी लोग दिखे, सब जो है फोटो और वीडियो बनाते ही दिखे हमारी तरह। आगे ये भगवान नंदी भी बैठे हुए हैं।
हम कोटिलिंगेश्वरा पहुंच चुके हैं। यहां आकर के मन को शांत और स्थिर होना चाहिए, परंतु मन में और भी ज़्यादा उद्वेगता आ गई है, मन और भी ज़्यादा उद्विग्न हो चुका है, खिन्न हो चुका है, कारण पता नहीं चल पा रहा है। अगर आप लोगों को पता चले तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताइए। मन आकर प्रसन्न होना चाहिए, प्रफुल्लित होना चाहिए, यहाँ की सुंदरता को देख करके जो है एकदम मन को खिलखिला जाना चाहिए, परंतु पता नहीं चल पा रहा है कि मन जो है क्यों उदास है। आते समय हमने बड़ी मेहनत की, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उस बारिश में भी हम बाइक चलाते हुए आए, सोचे कि वहाँ जाएंगे, प्रभु के दर्शन करेंगे, मन को शांत करेंगे। हाँ, आते समय जो है कुछ वातावरण ऐसा बना था, बारिश के पहले का जो वातावरण होता है वो बहुत सुहावना मौसम था, हमको इतना अच्छा लग रहा था। हम जब आ रहे थे तो रास्ते में नारियल के पेड़, फूलों की खेती वगैरह सब थी, परंतु हम गाड़ी रोक नहीं सकते थे, एकदम NH पे हम चल रहे थे, इसके लिए समय से हम यहाँ पहुँच भी गए। परंतु यहाँ का पहुँचना और ना पहुँचना, अब ऐसा लग रहा है कि अगर ना आते तो बेहतर होता। मन में जो ग्लानि भाव है, कम से कम वह तो उत्पन्न ना होता। आज की जो ये यात्रा है, इस यात्रा के लिए हमने जो है पहले से ही योजना बना के रखी थी कि हम जो है बढ़िया जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। यहाँ के विषय में जिन लोगों ने हमें सुझाव दिया था, उन लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी, इतना अच्छा है और बड़ा ही रमणीक स्थान है, बड़ा ही मन को शांत करने वाला स्थान है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं रहा। हमारी जो यात्रा रही, यहाँ आने के लिए जो है हम जल्दी उठे, सुबह सुबह का संध्या वंदन, उसके बाद हमारा जो गीता पाठ वगैरह रहता है वो जल्दी जल्दी हम किए कि चलो समय से निकल लेंगे और जो है समय से पहुँच जाएंगे। परंतु यहाँ आकर के जो है, इसको हम निंदा तो नहीं कहेंगे कि ये हम निंदा कर रहे हैं, पर वो स्तुति का भाव प्रकट नहीं हो रहा कि हम यहाँ की आपको स्तुति करके बताएं, यहाँ के विषय में कुछ अच्छी जानकारी दे पाएं कि आप आइए यहाँ दर्शन कीजिए। हम ऐसा सुझाव भी आपको नहीं दे पा रहे हैं, कारण अभी भी हमें पता नहीं चल पा रहा है कि क्यों। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है बहुत सारे शिवलिंग हैं, कोटिलिंगेश्वरा अर्थात नाम से अर्थ निकल रहा है कि करोड़ शिवलिंग, परंतु ये जो एक एक शिवलिंग हैं एक लोटे पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर यहाँ इंद्रदेव बारिश ना करें तो इनको जीवन में हमें नहीं लगता कि कभी पानी भी मिल पाएगा, और अगर मिलेगा भी तो इसलिए मिलेगा क्योंकि धूल मिट्टी जम गई है, चलो इनको धो दिया जाए, थोड़ी सुंदरता इस स्थान की बढ़ जाए। ना किसी शिवलिंग पर बेलपत्र है, ना ही किसी पर फूल अर्पित हुआ है। क्या सोच कर आए थे और यहाँ जो है क्या निकला। एक कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, यहाँ तो चूहिया से भी जो है कुछ छोटा जीव जंतु होगा, तो वही समझिए आप। मन जो है सच में बहुत दुखी है। हम आपको तो नहीं कह सकते, शायद आपको यहाँ का स्थान ये अच्छा लग रहा होगा, परंतु हमारा मन जो है यहाँ आकर बहुत दुखी हो गया है। मन की प्रसन्नता, जो जिस प्रसन्नता के साथ हम आए थे, वह प्रसन्नता का दीपक जो है वह बुझ चुका है। अब जो है क्योंकि उत्साह रहा नहीं तो मन बलवान नहीं है, इसलिए अब विचार है कि यहाँ से जो है यात्रा संपन्न की जाए और शीघ्रातिशीघ्र अपने निज निवास पर पहुँचा जाए। बाहर निकलने से पहले हमने एक बार स्थान को प्रणाम किया। बाहर निकलते ही हमें ये मूर्तिवत एक सज्जन मिल गए। ये कई घंटों से लगातार जो है इसी तरह खड़े रहते हैं, आने जाने वाले लोग अपनी फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, और अगर कुछ देना हुआ तो नीचे एक डब्बा रखा रहता है, उस डब्बे में अपना भेंट जो है इनको दे देते हैं।
एक बस टू लेमन डाल दिया कोटिलिंगेश्वरा जाकर के मन जितना दुखी हुआ उतना ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देख करके मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नारियल के पेड़ का अंबार लगा हुआ है। यहाँ से कई कोसों दूर तक हमें ऐसा लग रहा है केवल नारियल का पेड़ है। कहते हैं कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, यह बात पूर्णतः सत्य है। बात सिक्के की नहीं है, बात दो पहलुओं की है। अगर एक तरफ बुराई है तो दूसरी तरफ आपको अच्छाई अवश्य मिलेगी, बस उसके लिए आपको भी अच्छा होना पड़ेगा ही। बेंगलोर जैसे भव्य शहर में रह करके जहाँ केवल कंक्रीट की बिल्डिंग है, वहाँ से अगर आप थोड़ा बाहर आते हैं, बात बेंगलोर की नहीं किसी अन्य शहर की भी हो सकती है जहाँ केवल बड़ी बड़ी इमारतें हैं, उस शहर से अगर आप थोड़ा सा बाहर जाकर देखें तो इसी तरह की प्राकृतिक छटा आपको देखने को प्राप्त हो जाएगी। वहाँ जो है ना तो शुद्ध हवा मिल पाती है और ना ही आकाश में टिमटिमाते तारे दिखते हैं। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि रात्रि यहाँ की बहुत ही मनमोहक होगी, क्योंकि जब आप संध्या के समय का नज़ारा इस तरह से सुंदरता से परिपूर्ण देख सकते हैं तो रात्रि का आकलन करना आपके और मेरे मन में बिल्कुल नहीं हो सकता, वह यहाँ के स्थानीय लोग ही अनुभव कर सकते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं कि आगे के रास्ते में क्या और कितने मनमोहक दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। जैसे ही हम कोटिलिंगेश्वरा से बाहर आने लगे वैसे ही जोरदार बारिश शुरू हो गई। हमें रुक रुक कर आना पड़ा। 2.5-3 घंटे की रास्ता को हमने 6 घंटे में तय किया। रास्ते में कोलार गोल्ड फील्ड भी पड़ता है जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है, परंतु बारिश के कारण हम आपको वह स्थान नहीं दिखा पा रहे हैं।